देखता है इंडिया। आईवी टीवी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हैरी। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पटना के गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पटना गांधी मैदान इस वक्त दुल्हन की तरह सज चुका है, वो भी तिरंगे के रंग में। आपको हम बता दें कल जो झंडा तोलन होगा उसे हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। मेरे साथ सृष्टि श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं क्या कल क्या कुछ खास और होने वाला है। सृष्टि, क्या कुछ खास होने वाला है कल? देखिए, सबसे पहले तो गांधी मैदान के अंदर हम लोग को खुद घुसने नहीं दिया गया क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। दूसरा चीज़, झांकी निकलने वाली है, अलग अलग तरीके की झांकी निकलेगी। कौन कौन सी झांकी, मतलब किन किन विभागों के द्वारा, क्योंकि हर बार है कम से कम 7-8 विभाग के द्वारा निकल जाती है, इस बार कितने विभाग के द्वारा झांकी? इस बार भी 7-8 विभाग है। सबसे पहले तो एक शराबबंदी पे है, मद निषेध, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बहुत सारे विभाग है। सब्जी वगैरह से रिलेटेड किया जा रहा है, शायद ये बहुत नया है, शायद इस कारण से किया जा रहा है। जितना मैंने सुना था तरकारी वाले में कुछ उनका ये इनिशिएट है कि हर घर तक तरकारी पहुंचे, जो खेत से तरकारी हर घर तक पहुंचे इस बार वो। और शराबबंदी वाले क्या कुछ बताए, कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस पे? शराबबंदी वाला मेरा सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट लग रहा है हमको शराबबंदी वाला। उसमें ऐसा है ना कि दिखाया जा रहा है कि जैसे शराबबंदी है बिहार में, नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी किया गया था, तो शराबबंदी से जो लोग देसी शराब खरीदते हैं इधर उधर से जो धंधा करके, उससे लोग कैसे मर रहे हैं, वो कितना इफेक्ट कर रहा है लोगों को, उसके ऊपर है। जैसे विजुअल बनाए हुए, जैसे उसमें आप झांकी में देखिएगा एक बॉटल है और बॉटल जेल की तरह बना हुआ है, उसके अंदर आदमी रहेगा एक जो शराब से मर रहा है। उसके कोऑर्डिनेटर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था कि शराब पीने से कैसे लोग मर रहे हैं, इस चीज़ को दर्शाया जाएगा। जैसे कि सृष्टि, कोरोना की गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा है कि अभी हम लोग को भी अंदर घुसने को नहीं मिला, तो आपको क्या मतलब कल जो लोग हैं वो जा पाएंगे अंदर झंडा तोड़ने के? नहीं, कल नहीं जा पाएंगे, कल सिर्फ नीतीश कुमार जी रहेंगे। लेकिन अगर आपको 15 अगस्त का मजा लेना है तो आप झांकी देख सकते हैं। झांकी कारगिल चौक से कल निकलेगी और जितने भी झांकियां हैं, 8 झांकी है टोटल, वो लाइन वाइज लाइन एक दूसरे के पीछे निकलेगी और घूमेगी और आप देख सकते, बहुत क्रिएटिव है वो सारी झांकियां, हमको तो काफी क्रिएटिव लगा। हैरी, आपने भी शायद देखा होगा, आपका कौन सा सबसे आपको बेस्ट लगा? मुझे खुद जो है शराबबंदी वाला एक सबसे, और एक और मैंने जो सबसे यूनिक चीज कह सकते हैं फिर से वापस आई है, वो है बिहार खादी। आपको पता है गांधी जी के टाइम पे स्वतंत्रता दिवस के जो था, स्वतंत्रता का सबसे पहले गांधी जी ने स्टार्ट किया था और खादी उनका एक ना चरखा चला के करना, तो वो उस चीज़ पे भी इस बार रोशनी डाली गई और बिहार खादी से भी एक रैली निकलेगी जो कि काफ़ी अच्छी, और वो इंडस्ट्रियल विभाग के द्वारा वो निकलने वाली है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से, मतलब कल की तैयारी पूरी गांधी मैदान में हो चुकी है, उसको तिरंगे के रंग में कह सकते हैं पूरा गांधी मैदान हमारा सज चुका है। कोरोना का गाइडलाइंस जो है सबसे अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है क्योंकि अंदर लोगों को ना जाने मिल रहा है और मीडिया कर्मी को भी नहीं जाने मिल रहा है, मीडिया से उन्हें भी नहीं मिलने जा रहा, मतलब अलाउड ही नहीं है, आप अभी भी नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं सही भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना खतरा है सृष्टि, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है कोरोना खतरा पूरा ही है। टीवी पे जरूर देख सकते हैं, ये टीवी पे जरूर देख सकते हैं, पर हाँ झांकी का मजा आप लोग ले सकते हैं। और एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो परेड होगा उसमें पुलिसकर्मी तो रहेंगे, साथ साथ यहाँ बिहार की सेना भी मौजूद रहेगी इस परेड में। हाँ, अलग अलग सेना भी रहेंगे परेड में, तो आप जिस चीज़ का मजा आप टीवी पे देख के ले सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आईवी टीवी। मैं थी हैरी और हम थे सृष्टि श्रीवास्तव, धन्यवाद।